शरीफ घर के बच्चों काम तो है नहीं है, चौड़े टायर इन साल में खूब रगड़ दी। हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, जैसे अपनी गाड़ी है ब्रेजर, ठीक है, इसको मैं लेके जाऊँगा एक मैकेनिक के पास, रैंडम कोई भी, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं करी है, और उसको मैं बोलूँगा कि भाई ये गाड़ी मैंने अभी खरीदी है सेकेंड हैंड, आपके पास मैं गाड़ी का काम कराऊंगा, मुझे ये बता दो गाड़ी में कमी क्या क्या है, ठीक है। इससे मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप कभी गाड़ी लेते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, तो वो आपको क्या चीज़ें झूठी बता सकता है। और झूठी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरी गाड़ी में फ़िलहाल 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन, स्टेयरिंग, डिस्क, इंजन माउंट्स, ब्रेक, कैलिपर, जो भी थ्रोटल बॉडी, कोई भी मतलब आगे से लेकर पीछे तक 1% कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मैकेनिक को ये लालच देता हूँ कि आपके पास मैं काम कराऊंगा गाड़ी का, तो आप मुझे गाड़ी में बता दो दिक्कतें क्या क्या है, तो क्या वो सही बताएगा या गलत बताएगा? एक जेन्युइन मैकेनिक होगा तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से बताएगा, अदरवाइज वो नहीं बताएगा, ठीक है। और गाड़ी मैंने साफ़ भी नहीं करी है जानबूझ, क्योंकि नई गाड़ी अचानक से दिखेगी ना तो उसको स्कोप कम मिलेगा कमियाँ बताने का, तो गाड़ी थोड़ी बाहर से गंदी है, पीछे से खूब गंदी है। 2-3 दिन जैसे मैंने लगातार चला रहा था, मैंने साफ़ नहीं कराई है, फिर चौड़े टायर अलॉय डल गए, तो गाड़ी ज़्यादा गंदी हो रही है साइड से भी और पीछे से भी। देखो महेंद्रगढ़ में तो बात बनी नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिक है ही नहीं, एक दो दो चार दुकानें मुश्किल से हैं, मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, तो मैं कनीना आ गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्त्री हैं, तो यहाँ पे एक मैकेनिक की शॉप है, मैं यहाँ चलता हूँ और उससे पूछेंगे, ठीक है, देखते हैं सक्सेसफुल होगा कि नहीं। लगा तो है भाई मिस्त्री, तू गाड़ी में ही रह, ठीक है, रुक जा, रुक रुक ना ना, तू कर एक बार, कर रिकॉर्डिंग वैसे कर, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। मिस्त्री आप हो भाई, गाड़ी चेक करवानी थी एक बार, वैसे ली है पुरानी, तो एक बार चेक करवानी, कोई दिक्कत बाजी नहीं है, मतलब थोड़ी वो हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी सारी, चला कर अगर मान लो चेक कर दो तो काम करवा लूँगा मैं, अंदर बाहर से देख लो एक बार सारी, जैसे भाई सारी इंजन सस्पेंशन ये सारी चीज़ बता दो एक बार भाई उसको, उस्ताद क्या एक बार, जैसे इंजन को सस्पेंशन स्टेयरिंग ये छोटी मोटी कोई ठुकी पिटी हो तो वो देख कर बता दो एक बार, ट्राई ले लोगे सेलिंग। अच्छा इसमें जैसे चौड़े टायर डलवा रखे थे उसने, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? शरीफ घर के बच्चों काम तो है नहीं है चौड़े टायर, एवरेज नहीं, जैसे भाई वो सुनिए कि चौड़े टायर डलते सस्पेंशन पे दिक्कत आएगी, खोलूं खोलूं या तो ईप तो 17 इंच है, तो एक बार भाई जैसे कोई कभी एक्सीडेंटल हो नहीं पता हो तो ज्यादा भरोसे वाले दिक्कत तो है नहीं, या 20 मॉडल है भाई, मैंने तो ले ली, कंडीशन साफ बाहर से साफ दिखी, सुथरी है बिल्कुल, माउंट वगैरह भाई बुश वुश देख लो, थोड़ी सी आवाज़ मैंने महसूस हो रही है स्टेयरिंग में और इसमें, 2 मिनट लगेंगे भाई, ट्राई लेके देख लो एक बार, मेरी तसल्ली हो जाएगी, अगर कोई कमी होगी तो मैं काम करवा लूँगा, नहीं तो भाई तसल्ली तो फिर है ही। बुश वुश वगैरह देख लोगे एक बार, साफ लेंगे ट्राई, चेक कर रहे हैं भाई सारी बाहर से अंदर से, गहरे गाड़ी सुथरी है एकदम, आप चलाओगे? चलाओ, बैठ जाओ भाई, आप बैठ जा। थोड़ी सी सीट आगे करियो, चाबी दे दूं मैं, चाबी अच्छा ठीक है, आ गई है। वैसे कैसी लग रही भाई, कितने सही है कंडीशन, मतलब जैसे आवाज़ वगैरह टूटे फूटे रास्ते ज़्यादा नहीं इसमें, देख लो मेरा तो मतलब बाहर से तो ठीक लगी भाई, अंदर का तो मैकेनिक ही बताएगा, ऐसा ना हो करके ठोके पे, चाबी जी यहीं रखी है वो, हाँ वो है पुश बटन वाली है। कला चोला जा रही हो कभी, वो देख लियो,
एक्सीडेंटल तो नहीं लग रही ना? ना बस एक्सीडेंटल ही नहीं होनी चाहिए, बाकी स्क्रैच तो भैया रोड पर चलेगी तो थोड़ी बहुत लगेंगी। कंफ्यूज है वो, तो इंडिकेटर दे रखे हो लड़के छोटे वाले दिन लगा नहीं ना भाई लड़का है। सही है, आज का पता भी ला लाए थे वो रखिए जो लॉर्ड का लग रहा है। वैसे भाई इसकी प्राइस क्या होगी? 20 मॉडल है, टॉप मॉडल बता रहे हैं ZX है। हां टॉप ही है, टॉप ही है, टॉप मनना तो सही, लेकिन ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। जैसे भाई थोड़ी बहुत ही चलाई है, बट इधर वो करियो सो तो वो 8 लाख है? 8 लाख 20 मॉडल है? हाँ 20 मॉडल है, और जब कटो पेट्रोल की सही है 8 लाख में सही है भाई। वो उसके बाद एक और ब्रेज आ गई, कभी सोचा भाई ज्यादा महंगी ले ली हो? ना 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 ना, और फिर 8 लाख दे दी तब ये भी ना भाई कोई कमी नहीं हो जब जिस घर का 17 मॉडल का 7 लाख मांग रहा। 17 डीजल वाली का? डीजल वाली का। अच्छा ये तो फिर सही है। हाँ तो और के बताओ। हाँ या तो बेल्ट की होगी ना आवाज? या तो बेल्ट की है। ये थोड़ी बहुत जैसे आवाज है डैशबोर्ड की है। ये तो इतनो तो है आए करा मारुति गार्डन में तो पावर इतनो तो नहीं गाड़ी ये जो नाम है नई गाड़ी ले आओ जब भी हो जाए आगो। या थोड़ी बहुत आवाज है ना? नहीं हद की भी आवाज है। क्लच वगैरह आराम से, सस्पेंशन वगैरह ठीक है? नहीं मैं भी ऑफ रोडिंग टेस्ट कर दूंगा। टेस्टिंग खातर तो ले आया सा रोड पे। सारी हो जाएगी वो, जैसे वो कई पतो चले है। वो रोक के देखते हैं ना कई बार स्टीयरिंग घुमा के भाई नॉइज कट 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 की तो नहीं है स्टीयरिंग वगैरह। हाल गाड़ी तो से सही है। बात का पता नहीं तुम कैसे चलाओगे। तो चलाने को ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल सही है भाई, ड्राइवर के ऊपर है। ब्रेक ब्रेक भी ठीक है? बिल्कुल सही। तो मतलब सही है डील, कोई दिक्कत नहीं थी? बिल्कुल टपा टप सी सारी चीज है। रखी तो सही है, मतलब फिर ओनर ने गाड़ी है ना। और 70 कितनी 67 चल रही है? 67,000 किलोमीटर मैंने देखा हुई है। सोचे भाई 67,000 तो काफी हो गए उसके हिसाब से, तो दिक्कत पानी चाहिए गाड़ी में कोई ना कोई। तो मतलब सही चला रखी है। तो खूब गई भाई, 3 साल में खूब रगड़ दी। नहीं तो लोग 25-30 हज़ार में ही कर देता गाड़ी काम। और मार्ग नो वाटी जार 1,20,000 चाली थी बता। कितना साल में? 12-13 साल में। 12-13 इसका तो फिर इंजन बंदवाना पड़ गया 12-13 साल में तो। और जब पीछा ना गाड़ी से मैं कामड़ मोड़ू पीछा ना गाड़ी पूरा नहीं आ रही है। अच्छा एक तो जैसे घिसावट जल्दी होगी, माइलेज गंदी करेगी। नहीं है। अच्छा टायर तो उतना ही चालना जी। कितना चाल जाएंगे? जितना चालने उतना। अच्छा और डाउट था मन, सोचा एक बार दिखाई जाए गाड़ी। पेट्रोल तो बार कितनी 12 की दे रही है? 12.5-13 की दे रही है। 1500 सेकंड के हिसाब से ठीक है अपना, इन रोडों के हिसाब से
कौन सा डलवा लूं? छोटा इंच का है कंपनी के। हाँ तो वो डलवा ले, वो मैं एवरेज उसने नहीं डलवा रखे टायर। अब ये एवरेज आ जाएगी सही, पर ये टायर खराब जाएंगे फिर मेरे। हाँ जब तक ये चल रहा तो चला लो। हाँ इतने चला ले, चल रहे तब तक चला लूँ, बाकी बाद में करवा दूँगा मैं। चलेंगे ठीक अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोची कोई कमी होगी तो करवाते, पर आप कमी ही नहीं है गाड़ी में कोई। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नहीं है ना कोई भी दिक्कत है, चलने दो गाड़ी। ये ग्रिल वगैरह भी करवा रखी है, लफेंडर ग्रिल है या? ठीक है जी अंकल जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ भाई एक नंबर की चीज, रुक जाओ इसे ऊपर कर लूँ। उस लड़के ने देखना गाड़ी शुरू में, वो कह रहा भाई गाड़ी एकदम सुथरी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में अगर सुनाई दी हो। और इन्होंने चेक करी, इनके उस्ताद थे, कह रहे 1% कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, एक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिखाया 67,000 चल रही है, कह रहे भाई चला खूब दी 3 साल में, और उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। और ये तो तब है जब मैं गंदी लेके आया हूँ गाड़ी जानबूझ के, मैंने सफाई नहीं करवाई, वरना हो सकता कोई कमी निकाल देते। एक काम करते हैं, अगर बात बनी तो एक और मिस्त्री ट्राई करेंगे, ठीक है? वैसे मैं श्योर था कि गाड़ी में अगर दिक्कत नहीं है तो कोई मिस्त्री नहीं निकाल सकता, ये शहरा मिस्त्री, इसको तो पता है अपनी गाड़ी है। तो इस पे तो नहीं ट्राई करूँगा, किसी और पे ही करूँगा। यहाँ पे मिस्त्री काफ़ी है, देखेगी ये रही, लेकिन शहरा के जस्ट बगल में है तो पहचान लेगा गाड़ी, तो यहाँ ट्राई करूँगा, ठीक है? तो देखो ये वीडियो बनाने सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ या इसके मैं कोशिश करूँगा पार्ट बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो बनाने से मेरा ये मतलब था कि अगर आप गाड़ी लेते हो, चेक करवाने जाते हो मैकेनिक पे, तो वो आपको क्या क्या चीज़ें बता सकता है कि किस चीज़ में खराबी है, वो आपको सही बताएगा गलत बताएगा। हालांकि गाड़ी में दिक्कत नहीं थी तो कोई ज़बरदस्ती बता भी नहीं पाएगा आपको, ठीक है? तो जब भी अगर गाड़ी लेते हो, कोई पुरानी लेते हो, तो मैकेनिक को अगर ज़रूर दिखा लो। अगर आपके मान लो जान पहचान में कोई है, 100, 200, 500 रुपये अगर करके ले लेता है, आजकल कुछ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपके साथ चले जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप बाद में एक और पार्ट बना, लेकिन इसमें ज़्यादा पार्ट बनने में दिक्कत ये आ रही है क्योंकि मुझे पता है गाड़ी में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते गाड़ी में दिक्कत, ठीक है? ये आपके साथ भी होगा, अगर गाड़ी एकदम टेंस कंडीशन में है तो कोई कमी नहीं निकाल पाएगा, और अगर है तो निकाल देगा, मेरे में नहीं थी तो नहीं निकाल पाया कमी। एक मैकेनिक और मैं ट्राई करूँगा, तो वो वीडियो आएगी इसके बाद। और फिर जब मान लो मैं 2 मैकेनिक को दिखा दूंगा, फिर तो कोई स्कोप ही नहीं बचता भाई, तीसरे के पास जाए वो तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता इसमें कमी, ठीक है? एक मैकेनिक और हम ट्राई करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बताना आइडिया कैसा था। थैंक यू।